हाय एवरीवन, आज मैं शेयर कर रही हूँ हाउ डू आई प्रिपेयर ओट मील फॉर माय टॉडलर। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पतीला चढ़ाया है एंड नाउ आई एम एडिंग ओट्स। आप किसी भी ब्रांड का ओट्स ले सकते हो। अगर आपका बेबी जो है वो 6 मंथ या 7 मंथ का है तो आप ओट्स को पहले थोड़ा सा रोस्ट करो और फिर आप उसको ग्राइंड कर सकते हो पाउडर में एंड देन यू कैन प्रिपेयर द ओट मील। अगर 8 मंथ प्लस है तो आप बस इस वे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो ओट्स को हमें जो है वो अच्छे से रोस्ट कर लेना है। ये हल्का सा कलर चेंज करेगा और एक आपको स्मेल आने लगेगी कि हाँ ये अच्छी तरीके से रोस्ट। तब तक आप जो है इसे अच्छे से स्टर करते रहो। अब जो है हम इसमें पानी ऐड करेंगे अराउंड 1/2 कप और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे एंड हम कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे। ओट्स जो है वो बहुत जल्दी पानी अपने में एब्जॉर्ब कर लेता है तो इट डजंट टेक मच टाइम। तो हम अच्छे से इसको कुक कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सिनेमन पाउडर। सिनेमन पाउडर इज ऑप्शनल, आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हो। इट इंक्रीजेस और इन्हांस द टेस्ट। और हम अच्छे से अब इसको मिक्स कर लेंगे और 2 मिनट्स तक कुक करेंगे। अब ये ओटमील अच्छे से कुक हो गया है। टाइम टू ऐड मिल्क। मिल्क भी ऑप्शनल है, कई लोग डालते हैं कई लोग नहीं डालते हैं, बट आई ऑलवेज ऐड मिल्क टू माय ओटमील। और मिल्क डालने के बाद मैं इसको और 2 से 3 मिनट तक कुक करूँगी। अच्छा, अगर जो आपकी बेबी की एज 6 to 8 मंथ है तो आप बहुत अच्छे से, आपकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो थोड़ी लिक्विड होगी, नॉट वेरी मच सॉलिड। तो आप अपने बेबी के एज के हिसाब से अपनी कंसिस्टेंसी मेंटेन कर सकते हो। और अब ये जो ओट्स है हमारा रेडी हो गया है। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, यहाँ पे मैंने बनाना को रफली मैश किया है, पूरा अच्छी तरीके से मैश नहीं किया है। अगर 6, जैसे मैंने बताया कि डिपेंड्स ऑन द बेबीज एज, अगर आपकी बेबी 6 मंथ से 8 मंथ तक है तो आप अच्छे से मैश कर सकते हैं बनाना को। बट क्योंकि आई एम प्रिपेयरिंग इट फॉर अ टॉडलर तो मैं इसको रफली मैश करूँगी। कंसिस्टेंसी विथ एज जो है हमेशा चेंज करते रहना चाहिए, हर वक्त मैश चीज़ें आप नहीं दे सकते हो। अब हम उस मैश बनाना में डाल देंगे ओट्स जो हमने प्रिपेयर किया है और उसके बाद उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। कंसिस्टेंसी आप अपने बेबी के हिसाब से रख सकते हो। इफ़ योर बेबी इज़ वेरी स्मॉल 6 to 8 मंथ तो आप बिल्कुल लिक्विड कंसिस्टेंसी रख सकते हो। अगर आपको थिक लगता है तो आप ऊपर से मिल्क एड ऑन कर सकते हो, और टॉडलर है तो थोड़ा थिक कंसिस्टेंसी आप रख सकते हो। और अब मैंने यहाँ पे डाल दी है थोड़ी सी रास्पबेरी, आप चाहो तो कोई भी फ्रूट्स डाल सकते हो एंड दिस इज़ आल्सो ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है। बट आप जब ऊपर से कोई भी फ्रूट ऐड ऑन करते हो तो उसका टेस्ट बढ़ जाता है। और लास्ट में मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़े से चिया सीड जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल होता है फॉर ग्रोइंग किड्स। तो आप किसी ना किसी मील में आप बच्चों को चिया सीड ज़रूर दें, इट्स वेरी हेल्दी एंड बेनिफिशियल। और यहाँ पे ऐजान अपना ओट मील जो है वो इंजॉय करते हुए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल, जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।